चलो 36 के सिक्स पार्ट देखते हैं क्या है। अपना फंक्शन सेम दे रखा है, बस यहाँ चेंज कर दिया डोमेन और कोडोमेन में। तो ठीक है, देखते हैं अपना फंक्शन क्या है। fx = x³। तो अपन इंजेक्टिव के लिए देख लेते हैं क्या होगा। इंजेक्टिव तो जैसे कि पिछले बार भी ग्राफ बनाया था, इस बार भी बना लेते हैं ग्राफ। तो y = x³ का ग्राफ ऐसे बनता है। तो ये अपना y = x³ का ग्राफ। तो देखो हर x के लिए डिफरेंट y है, हर x के लिए अपना डिफरेंट y है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पता चल गया कि इंजेक्टिव होगा। और बात करते हैं सर्जेक्टिव के लिए। तो देखो अपना ग्राफ ही बता रहा है, अपना फंक्शन क्या था fx = x³। और अपना कोडोमेन क्या दे रखा है, अपना कोडोमेन भी दे रखा है यहाँ पे ऑल रियल नंबर्स। देखो यहाँ दे रखा है ना ऑल रियल नंबर्स। तो देखो इस ग्राफ में देखो तो इसमें वाई की वैल्यूज कहाँ तक जा रही है। वाई की वैल्यू यहाँ इन्फिनिटी से लेके मतलब माइनस इन्फिनिटी, यहाँ माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक जा रही है। तो अपना रेंज भी क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो अपना सर्जेक्टिव भी हो गया।